हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में बहुत सुरक्षित होंगे। और आज का ब्लॉग जो है मेरा बहुत बहुत ही दिनों बाद आया है, क्योंकि इस समय मेरा मन जो है ना थोड़ा सा पता नहीं अपसेट था, इसलिए मैं कोई क्लिप नहीं ले रही थी। क्लिप तो ले रहे थे लेकिन मुझे वीडियो पूरी तरीके से बनाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको मैं वीडियो के लास्ट में दिखाती हूँ। वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या है दिक्कत, तो इसीलिए जो है ना मैं नहीं बना पाई थी। तो ये देखिए गली का हाल जो है बुरा हाल हो गया है। और ये देखिए सुबह का ही टाइम है लेकिन जो है बादल इतना हो रहा है कि बादल के चलते जो है ना, और ये जो है देखिए अब थोड़ा सा जो है मौसम साफ हुआ था तो मैंने फिर जो है ना मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। तो यहाँ पे जो है ये टाइम अभी पता है कितना हो रहा है, अभी 12 बज रहे हैं और सुबह का जो है ऐसा दिन हो रहा है। तो ये देखिए फिर से कभी तुरंत साफ हो जा रहा है मौसम और कभी फिर वैसे ही हो जा रहा है। कभी देखिए थोड़ी देर पहले जो है ना साफ हो गया था मौसम, फिर से वैसे ही हो गया है। और यहाँ पर मैं बनाने चल रही हूँ, आज का दिन आज है संडे है, तो मैं खाने में क्या लंच की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो लंच में ही मैंने ये अपना जो है वीडियो स्टार्ट किया है। तो मैं सिंपल सा खाना बना रही हूँ, दाल चावल और लौकी छौंक के बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने लौकी को जो है काट के रख लिया था। और यहाँ पे जो है ना सरसों तेल हमने कढ़ाई में डाल दिया था, और सरसों तेल में जीरा और हरी मिर्च में कहीं जो लाल मिर्च होता है ना वही है, तो मैंने उसको भी उसी को काट के डाल दिया था। और यहाँ पे जो है मैंने जो लौकी काट के रखा था ना उसको भी मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसे मिला लेती हूँ अच्छे से। और उधर मैं दाल चढ़ाई हूँ तो उधर मेरा साथ के साथ दाल भी बन जाएगा, इधर मेरी सब्जी बन रही है। और इसको मैं ढक के पका देती हूँ। और ये इसको ना मैं 5 मिनट तक पका ली हूँ। 5 मिनट तक पकाने के बाद जो है इसको इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे हल्दी, हल्दी का पाउडर और नमक, नमक डाल देंगे ताकि इससे पानी छूट जाए, पानी छूट जाता है ना तो लौकी जो है गल जाती है। तो नमक डालने से जो है लौकी जो है गल जाएगी हमारी। और फिर मैं इसको मिला के और चला लेती हूँ, चला के फिर से मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी। और तब तक से फिर मेरा दाल भी उधर बन रहा है, दाल भी बन जाएगा। और मौसम जो है ना वैसे ही हो रहा है अभी। और उधर हमारी जो है दाल मैंने उतार लिया है अपना। और इधर जो है हम सब्जी को फिर से चला लेते हैं। और दिन जो है बहुत बेकार हुआ है, बारिश भी हो रही है कभी कभी, रुक रुक के बारिश भी हो रही है, फिर जाकर बंद भी हो जा रही है। तो इधर हम दाल को देख लेते हैं कि हमारी दाल गली है कि नहीं। तो इसका मैं थोड़ा सा जो गैस रह गया है सिटी वो मैं इसको थोड़ा सा उठा के और फिर मैं इसका निकाल लेती हूँ। फिर जो है मैं देखती हूँ कि मेरी दाल जो है बन गया है कि नहीं। तो हमारी दाल जो है पक चुकी है, तो इसको मैं एक साइड रख देती हूँ, इसमें मैं तड़का लगा दूँगी। और इधर मैं सब्जी को फिर से, मेरी सब्जी बन चुकी है तब तक से, और फिर मैं यहाँ चढ़ा दूँगी चावल। तो मेरा जो है सिंपल सा लंच जो है बन कर तैयार हो जाएगा, दाल चावल सब्जी। तो और इधर मेरा कढ़ाई जो है रखा हुआ है धोने के लिए, फिर मैं इसको भी धो लूँगी। ये मेरा चावल बन रहा है। और ये फिर जो है ना ये दूसरे दिन का क्लिप है, उसके बाद मैं फिर क्लिप नहीं लेती क्योंकि दिन जो है बहुत ख़राब हो रहा था, बारिश होने लगी थी। तो बारिश होने लगी थी तो फिर जाकर जो है बहुत अंधेरा भी हो गया था, लाइट भी नहीं थी। और यहाँ पर देखिए दूसरे दिन का ये जो क्लिप है, तो मैं यहाँ पर जो है ना उसके साग, क्या बोल चौलाई के साग को मैं देखिए सबको पहले बीन के अच्छे से,
सावन का जो महीना होता है ना, इसमें साग में जो है कीड़े रहते हैं, तो मैं इनको अच्छे से बीन के और तब जाकर काटती हूँ। तो ये जो साग है ना, मेरे यहाँ आदर्श के पापा को बहुत पसंद है, तो इसलिए मुझे लेके आना पड़ता है, तो मैं उनके लिए ही बनाती हूँ ये वाला साग। तो यहाँ पे जो है मैं इसको सबको काट लेती हूँ और तब मैं इसको बनाऊँगी। सिंपल तरीके से बनाते हैं, कुछ नहीं इसमें करना है, बस जाकर सरसों का तेल डाली और जीरा और लहसुन और हरी मिर्च को काट के, और सबको पहले तेल डाल के और जीरा को चटका लेते हैं, फिर जाकर उसके बाद लहसुन को थोड़ा सा भून लेते हैं, उसके बाद जाकर हरी मिर्च डाल के और फिर जो है साग को डाल के और बना लेते हैं। और जब थोड़ा सा साग साग जो है गल जाए तो उसमें नमक डाल देते हैं, नमक डाल के इसको मिला लेते हैं, तब इसको हम अच्छे से इसको सही से बना लेते हैं। जब उसके साथ चावल बना लीजिए, दाल बना लीजिए, जो बनाने की इच्छा हो सो बना लीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा साग भी कट गया है और बन गया है, ये देखिए आदर्श जो है अपने फोटो खींच के रखे हैं, और ये फिर चाय बन रही है, सुबह 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 की चाय बन रही है यहाँ पे। तो आ जाइए आप सब भी चाय पीने के लिए। तो कैसा लगा मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि और एक बात और, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी कहीं से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके एक लाइक से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, तो इसलिए। और यहाँ पर जो है मेरा क्लीनिंग का काम चल रहा है, तो ये देखिए मैं थोड़ा सा अपने जो है चारों तरफ कमरे की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बरसात के मौसम में अक्सर ही चिपचिपा सा बना रहता है चारों तरफ। तो मैं अलमारी भी साफ़ कर लेती हूँ, बेड भी मैं साफ़ कर ली हूँ, उसके बाद झाड़ू लगा लेती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी बहन को जो है ना लड़का जो हुआ था, तो उसमें का भी क्लिप वहाँ का रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो हॉस्पिटल से जब आई है घर, तो आप लोग प्रे करिएगा कि बाबू और बहन मेरी दोनों सही रहें, क्योंकि तबीयत दोनों की रहती रहती है, ख़राब हो जाती है, बाबू की भी हो जाती है और मेरी बहन का भी हो जाता है। तो प्लीज़ 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 आप सब जो है प्रे करिएगा कि वो दोनों स्वस्थ हो, तो तभी सब कुछ अच्छा लगता है। इसीलिए जो है ना मन में मन थोड़ा सा जो है बेचैन रहता है, तो मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, इसलिए नहीं बनाती हूँ वीडियो, थोड़ा सा मन जो है डिस्टर्ब रहता है। इंसान जब हर तरीके से सही रहता है ना, तभी हर चीज़ बढ़िया लगता है। तो मेरी इस समय वीडियो ना बनाने का मेन कारण यही है कि हमेशा कभी बाबू की तबीयत ख़राब है, कभी बहन की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मन जो है ना भागे रहता है हर चीज़ से। तो आइए दिखाती हूँ मैं आपको।
का ब्लॉग जो है मेरा यहीं तक था, तो वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय।